देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। फिल्म मैं बेटी हिंदुस्तान की का शुभ मुहूर्त दूरदर्शन वाराणसी के निदेशक सौरभ कुमार शुक्ला द्वारा संपन्न हुआ। वाराणसी में दिनांक 26 नवंबर 2021 को हिंदी पिक्चर फिल्म मैं बेटी हिंदुस्तान की का शुभ मुहूर्त दूरदर्शन वाराणसी के निदेशक श्री सौरभ कुमार शुक्ला द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुदर्शन के कार्यक्रम अधिशासी श्री अजय कुमार राय, फिल्म के लेखक व निर्देशक भरत कुमार, कैमरामैन डीके राजू, गीत अजय त्रिपाठी व वृषभ तुषार, संपादक अनु सिंह, संगीत अप्रीतम त्रिपाठी, साउंड रिकॉर्डिंग सिद्धार्थ रिशु, कास्टिंग डायरेक्टर सहनवाज, कॉस्ट्यूम गर्बीली। फिल्म की कहानी आतंक से लड़ने वाली एक बहादुर लड़की की है जो अपने प्रेमी की आतंकवादी के द्वारा मृत्यु के बाद आतंकियों से बदला लेती है और उसके साथ मिलता है 5 बहादुर लड़कों और एक महिला पत्रकार का भी, मिलकर आतंकी गतिविधियों से संलिप्त लोगों की बहादुरी से खात्मा करते हैं। इन सब के साथ इन लोगों को साथ मिलता नेता मायानवर सिंह का, जिसकी लड़की भी आतंकी हमले में मारी गई है। फिल्म के मुख्य कलाकार राहुल सिंह, रवि शंकर त्रिपाठी, आकाश सिंह, ब्रिजेश पाठक, जिला पांडे, सचिन श्रीवास्तव, जफर खान, असलम खान, स्मृति द्विवेदी, अर्चना पाठक, दिनेश श्रीवास्तव, अतहर जमाल, सूरज मिश्रा, अविनाश सिंह, शुभम तिवारी, अष्टभुजा मिश्रा, दोषी द्विवेदी एवं कमलेश श्रीवास्तव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से संतोष सिंह की रिपोर्ट। और किस प्रकार की मूवी है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। जी, मेरा नाम किशोर राहुल है और मैं बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी कर रही थी। मेरी मूवी बॉलीवुड की रिलीज होने वाली एक राहुल राय साहब के साथ अनोखी, और मैंने काफ़ी सारी विज्ञापन फिल्में भी करी है, नेशनल और रीजनल चैनल्स पर चल रही, और अभी जो आज जो मुहूर्त हुआ इस फिल्म का, इसका नाम है मैं बेटी हिंदुस्तान की, इस फिल्म में एज ए लीड हीरो में इसमें हूँ। और एक बहुत ही अच्छी कहानी है, एक कह सकते हैं कि एक युवा अपने मूल चीज़ों से जो भटक जाता है, अपने समाज से जो भटक जाता है, उनको एक मैसेज देने का काम है। आज की यूथ के लिए फिल्म, आज की बेटियाँ क्या कर सकती हैं उनके लिए काम है, इसमें बहुत अच्छा काम दिखाया गया है। मिला जुला के कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ समाज को एक अच्छा मैसेज देने का भी काम है। क्या कॉमेडी एक्शन किस टाइप की मूवी रहने वाली है? ये फुल्ली एंटरटेनमेंट, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इसमें आप एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक्शन देख सकते हैं, इसमें आप कॉमेडी भी देख सकते हैं, रोमांस भी देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज के युवाओं के लिए मैसेज है कि वो समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करें और कैसे अपने आप को देश को समर्पित करें और देश को आगे बढ़ाने का योगदान। आप अच्छे से काम करिए, मन लगा के काम करिए, हार्ड वर्क करिए, सफलता आपके कदम पे चूमेगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अंदर होने के बावजूद आप इसको एक्सक्लूड न कर पाएं। थोड़ी सी हम लोग के साथ दिक्कत थी, लेकिन आज भी हम लोग कदम से कदम मिला के कर रहे हैं और इस फिल्म में आप नज़र, हम लोग नज़र आएंगे साथों सारे लोगों को, और लास्ट में वैसे ही पर्चे बता दें। भरत गुप्ता, भरत जी, किस तरह की फिल्म है, किस उद्देश्य को लेकर इस फिल्म को बना रहे हैं? ये फिल्म नेशनल एक्टिविटी पर आधारित है, देश के एक बहादुर लड़की के ऊपर है जो कि अपने प्रेमी के बदले में आतंकवादियों से लड़ती है और उनका सफाया है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म के लिए? इस फिल्म के माध्यम से हम देश को दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश की बहादुर लड़कियाँ भी आतंकवादियों से सीधे सीधे सामना कर सकती हैं। कैसे दिया? नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और मैं इसमें जी, तो कौन सा ये फिल्म का, कौन सा फिल्म आप, हमारी मूवी का जो नाम है वो एक बेटी, सॉरी, मैं बेटी हिंदुस्तान जी, और ये जो मूवी है वो बेटी पे बोलेंगे, बट बेटी ही जो दो मेन कैरेक्टर होते हैं, काम है वो एक ही है, हिंदुस्तान की तरफ कर रहे हैं, और मूवी का जो आइडिया है बहुत ही अलग है, जो भी दर्शक देखते हैं उनको बहुत मजा आया, मजे भी है और बहुत सारा एडवेंचर भी है। जी, कौन सा रोल आप करेंगे? रिपोर्टर सचिन श्रीवास्तव नाम है। ये मूवी है मैं बेटी हिंदुस्तान की, इससे की निर्देशक है हमारे भरत गुप्ता जी, और मैं इस फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ।
और इधर भी मैं जितनी फिल्में कर रहा हूँ सब मैं निगेटिव भी कर रहा हूँ। कोरोना काल की जो एक्चुअली पिक्चरें मेरी रिलीज नहीं हुई, अभी छः छः फिल्में मेरी बन के रुकी हुई हैं और कोरोना काल के बाद वो चली गई है। किस मुद्दे पर आधारित है ये फिल्म? ये फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर आधारित है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि फिल्म मैं बेटी हिंदुस्तान की है, तो नायिका प्रधान फिल्म है ये, और नायिका प्रधान फिल्म होने की वजह से एक बेटिया कैसे अपने प्रेमी को एक आतंकवादी होने से बचाती है और उसे सही रास्ते पर लाती है, ये फिल्म में दर्शाया गया। फिल्में बनाई मैंने और बरेली से लेकर लखनऊ तक गए थे दूरदर्शन में, और आगे भी एक भविष्य योजना है कि हम लोग काफ़ी अच्छा फिल्म बनाएं, तो एक आर्ट मूवी की भी योजना है जिसमें कि हम बेहतर और भी बेहतर बन करके सबके सामने उभर पाएँ। और बनारस में ये बताएं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई या नोएडा या कहीं अन्य जगह लोग काम करते हैं, हमारे बनारस के कलाकार हैं, इनके अंदर भी आत्मा है और ये आर्टिस्ट हैं। और मैं बचपन से थिएटर करता जाता हूँ, अजय भाई इतना अच्छा संगीत बजाते हैं बनाते हैं, हम मन खुश हो जाता है। बस थोड़ी समस्या आती है कि हम होम सिकनेस के आगे थोड़ा सा देखक में आ जाते हैं। आप अच्छे से काम करिए, मन लगा के काम करिए, हार्ड ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अंदर होने के बावजूद आप उसको कदम से कदम मिला के कर रहे हैं, और उस फिल्म में आप नज़र हम लोग नज़र आएंगे साथों सारे लोगों को। और श्रीवास्तव जी को बुलाते हैं, ये भी बनारस के बहुत चर्चित कलाकार हैं और काफ़ी वेब सीरीज वगैरह में काम कर चुके हैं, काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और हम कलाकारों से आग्रह करेंगे कि बहुत छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कहें।